अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा यूनिट नंबर 4, और हमारे यूनिट नंबर 4 का नेम है एक्वायरिंग वैल्यूज़, यानी कि वैल्यूज़ को हासिल करना और वैल्यूज़ के लिए स्ट्रगल करना। तो अब हम देखते हैं हमारे यूनिट नंबर 4 में कितने लेसन्स हैं। हमारे पास यहाँ यूनिट नंबर 4 में 3 लेसन है। 4.1 है हमारे पास दी स्कॉलरशिप जैकेट, 4.2 है अ लॉन्ग वॉक होम, 4.3 है बी द बेस्ट। तो फ्रेंड्स, अपना लेसन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि क्या आपको थीम याद है, जो कि हम इससे प्रीवियस वीडियो में कितनी दफ़ा पढ़ चुके हैं, और डिटेल से थीम पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है। तो चलिए उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि थीम कहते किसे हैं, कि वो मोरल या लेसन कि ऑथर जो चाहता है कि उस स्टोरी से हम वो सीख जाएँ, तो उसे थीम कहते हैं। अब हम अपना यूनिट 4 स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यूनिट नंबर 4 जिसका नेम है हमारे पास एक्वायरिंग वैल्यूज़, और अब हम इसमें देखते हैं कि 4.1 में हमारा लेसन क्या है, टाइटल क्या है, उस पर हमने फोकस किस चीज़ पर करना है। तो टाइटल है हमारे पास दी स्कॉलरशिप जैकेट, थीम इसका है ऑनेस्टी, फोकस हम इस पर करेंगे द वैल्यू ऑफ अर्निंग एंड ऑनर। और ये लेसन पढ़ते हुए आउटकम्स हमें क्या हासिल होंगे, रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स इम्प्रूव होंगी, इसके साथ साथ एथिकल एंड सोशल स्किल्स भी आपकी बेहतर होंगी, और इसके अलावा राइटिंग स्किल्स, ग्रामर एंड लेक्सिस पर भी हम काम कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो लेसन है दी स्कॉलरशिप जैकेट, रिटन बाय मार्टा सेलिनास इसकी राइटर हैं, जो लड़की खुद जिनकी ये स्टोरी है, और वो अपने बारे में ही बताती हैं कि अमेरिका के एक छोटे से टाउन टेक्सास के में ये स्टोरी है, उसके बारे में है। और जो मार्था हैं, ये खुद भी क्या थी, एक मैक्सिकन गर्ल थी, यानी कि माइग्रेटेड होने की वजह से नस्ली इम्तियाज का शिकार थी। तो इनका एक ये ख्वाब था कि उनकी बहन की तरह, मार्टा की बड़ी बहन की तरह, उसे भी ये स्कॉलरशिप जैकेट जो आपको यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये मिल जाए। और ये स्कॉलरशिप जैकेट स्कूल वाले उसे एजाज़ के तौर पर देते थे, उस स्टूडेंट को जो 8 साल तक शानदार तालीमी कारकर्दगी को मेंटेन करता रहा हो। तो मार्टा का भी ये ड्रीम था कि जैकेट, ये वाला, कि उसको भी ये जैकेट मिल जाए, जिसकी वजह से उसने क्या किया, 8 साल बहुत ज़्यादा मेहनत की, और दिन रात वो इसी फिक्र में रहती थी कि ये जैकेट उसे मिले। वो मेहनत तो बहुत करती थी ये हासिल करने के लिए, और तकरीबन ये जैकेट उसे मिलने ही वाली थी। लेकिन इस स्टोरी में क्लाइमेक्स कब आता है, उस वक्त आता है जब वो अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब होती है, तब मुश्किलात आती हैं। और इस लेसन का जो थीम है, उससे भी हमें यही लेसन मिलता है कि दुनिया में हमें बुलंद मकाम और इज़्ज़त को पाने के लिए ईमानदारी से अपना सफ़र जो है वो जारी रखना चाहिए, तो एक ना एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है। इसलिए हमेशा हमें अपने पर्पस के साथ हम जो हैं ऑनेस्ट रहें। और ये था फ्रेंड्स हमारा पहला लेसन। दूसरे लेसन में जाने से पहले मैं आपको ऐसे लोगों का ज़िक्र भी आपसे करना चाहूँगी जिन्होंने दुनिया में बहुत बुलंद मकाम हासिल किया है और ऑनेस्टी के साथ जो है अपना सफ़र जारी रखा है। तो सबसे पहला नाम हमारे पास है निमरा सलीम। तो ये जो है पाकिस्तान की एक बड़ी शख्सियत के तौर पर उभरी हैं, और इन्हों जो है क्या थी, ये पहली पाकिस्तान की फर्स्ट पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट, और इन्हें जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2006 में ये अलकाब से नवाजा था। इसके अलावा इन्हें 2011 में तमगाए इम्तियाज़ भी दिया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास राफिया कासिम बेग, और ये क्या थी कि पाकिस्तान की पहली बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट थी। हालांकि कहते हैं कि लड़कियां जो हैं वो इस फील्ड में नहीं आ सकती, ये बॉम्ब डिस्पोज करना ये तो लड़कों का काम है, लेकिन इन्होंने ये काम किया, और बहुत इन्होंने ये काम करके मिसाल कायम की। नेक्स्ट है हमारे पास आयशा फारूक, और ये कौन थी, ये पाकिस्तान की पहली फाइटर पायलट थी, जिन्होंने फाइटर जो है तियारा वो उड़ाया था, और सिर्फ 26 ईयर्स की ओल्ड में इन्होंने ये काम किया। उसके बाद है हमारे पास, ये देखिए, वकास अली, ये भी एक यंग बॉय हैं जिन्होंने पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऑनलाइन स्टोर जो है उसका जो है इनॉग्रेशन किया, और जिसका नेम था होम टाउन शूज़,
और एक और भी एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर है परवीन सईद की, जिन्होंने क्या किया कि खाना घर के नाम से इन्होंने अपना एक छोटा सा काम शुरू किया खाना पकाने का, और जो मिडिल क्लास के लोग थे, लो इनकम वाले, उनको ये 3 रुपए पे, 3 रुपए से लेकर मतलब इन्होंने खाना देना शुरू कर दिया, गर्म और ताज़ा खाना। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे पास कुछ इस तरह की एग्जांपल्स कि किस तरह से इन लोगों ने अपने पर्पस के साथ लिफ्ट थ्रू किया है और फिर ऑनर को अपने लिए ऑनर विन किया है। ये थी ऐसी मिसालें कि जो लोग अपने पर्पस के साथ ऑनेस्ट रहते हैं और ऑनेस्ट रहते हुए स्ट्रगल करते हैं, तो एक ना एक दिन वो अपने जो ड्रीम है उसको सच करके दिखाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका जो थीम है ऑनेस्टी ऑफ पर्पस, तो इसमें वैसे ये है कि आपका पर्पस क्या है, आपका भी कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए और आपको वो कभी भी भूलना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए और उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी चाहिए। तो और दूसरी सबसे बड़ी बात जो इस पे हमें जो हम जिस पे फोकस करेंगे वो ऑनेस्टी भी है, क्योंकि ऑनेस्टी भी ऐसी चीज़ है जिसे हमें अपनी लाइफ में कभी भी इग्नोर या निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले ये है कि आप अपने आप से ऑनेस्ट रहें। तो अपने आप से ऑनेस्ट रहने का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि एक्चुअल में आपके जो ख्वाब हैं आप उनको हर लम्हा जिएं, किसी भी वक्त उन्हें नज़रअंदाज ना करें। जब आप अपनी तवानाई को सर्व करके अपना जो गोल है अचीव करने में लग जाते हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ऑनर है, डिग्निटी है, ट्रू लव, काइंडनेस, ये सब आपकी तरफ टर्न बैक हो जाती हैं। और यही इस स्टोरी का भी मोरल है कि आप अपने आप से ऑनेस्ट रहें और अपने पर्पस से भी ऑनेस्ट रहते हुए आप अपना सफ़र जारी रखें। तो ये था फ्रेंड हमारा पहला लेसन। अब हम देखते हैं अपने सेकंड लेसन को। हमारे सेकंड लेसन का टाइटल है अ लॉन्ग वॉक होम, और इसका थीम है फादर सन रिलेशन। ये स्टोरी है बाप और बेटे के रिश्ते पर, उनके आपस के ताल्लुक पर। फोकस हम किस पर करेंगे ये पढ़ते हुए? लाइंग एंड वेरोसिटी। और इससे भी हमें क्या आउटकम्स हासिल होंगे? रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स आपकी इम्प्रूव होंगी जब भी हम लेसन रीड आउट कर रहे होंगे। एथिकल सोशल स्किल्स डेवलप होंगी, राइटिंग स्किल्स, ग्रामर एंड लेक्सिस पर भी हम काम कर रहे होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड लेसन, क्योंकि फ्रेंड्स ये स्टोरी है एक फादर और सन की। तो इस हवाले से मैं एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि वो घर हकीकत में कब्रिस्तान होता है जिसमें वालिदैन नहीं होते। माँ का प्यार तो बच्चे को माँ की गोद में समझ में आ ही जाता है, मगर बाप का प्यार कब समझ में आता है? बाप का प्यार उस वक्त समझ में आता है जब वो बच्चा खुद बाप बनता है और फादर की तरह से सेक्रीफाइस करता है और इसके अलावा अपनी औलाद को अनकोऑपरेट करवाने में किस तरह से वो वेरोसिटी और किस तरह से वो कहता है कि सारी क्वालिटीज़ मेरी औलाद में आ जाएं। तो इस लेसन में भी ऑथर जो है वो हमें यही सिखाना चाह रहा है अ लॉन्ग वॉक होम, कि ऑथर क्या करते हैं कि ख़ुद को प्रैक्टिकल करके अपने बेटे को टीच करना चाहते हैं, कि ख़ुद को प्रैक्टिकल करके सिखाना वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है बजाय इसके कि हम अपनी मुंह से बोलें। हमारे मुंह से कही हुई बात इतना असर नहीं रखती जितना हमारा प्रैक्टिकल तौर पर किया हुआ काम जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो वैसे हमने अपने पेरेंट्स को भी देखा है कि किस तरह से उन्होंने इस दुनिया में हमें जीकर दिखाया है और हमें बताया है कि ये वैल्यूज़ हैं, इस पर अमल करना है, अच्छी चीज़ों पर अमल करना है, बुरी बातों से दूर रहना है। यही वो चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं और फिर यही वो चीज़ें हैं जो बाद में हमारा बिहेवियर भी बन जाती हैं। और स्पेशली फादर की तो हमें और मदर दोनों की बहुत कदर करनी चाहिए, जैसे कि शायर ने भी कहा है, अजीज़ तर रखता था मुझे रगे जाँ से, ये बात सच है मेरा बाप कम ना था माँ से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वक्त मिले तो गौर से अपने पेरेंट्स के चेहरों को देखिएगा तो पता चलेगा आपको कि हमारा मुस्तकबिल बनाते बनाते वो किस कदर टूट चुके हैं और उन्होंने हमारे लिए किस कदर सेक्रीफाइसेस दी हैं। और यही वो वैल्यूज़ हैं जिन्हें हम टीच नहीं कर सकते, क्योंकि वैल्यूज़ ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रांसफ़र होती हैं, हम ये पढ़ा नहीं सकते ना हम ये टीच कर सकते हैं। तो कभी हम सोचें कि फ़ादर ने किस कदर स्ट्रगल बर्दाश्त की हैं अपने बेटे के लिए, तो किस तरह से उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया है। तो हमें ये नहीं पता होता कि ये जो हम सक्सेस तक पहुँचे हैं, हम इतने कामयाब हुए हैं, तो दरमियान में कितनी मुश्किलात आई हैं और
درمیان میں کتنی مشکل گھاٹی تھی اور جسے برج کرنے کے لیے فادر نے اپنے آپ کو روڈ کے طور پر پیش کر دیا کہ تم میرے اوپر سے گزر کے جاؤ. انہوں نے آپ کو روڈ میپ پیش کیا کہ دیکھو میرے اوپر سے جاؤ, وہ سامنے منزل ہے, میں تمہاری رہنمائی کروں گا. تو یہ سارا کچھ فادر ہی ایک کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کہ آپ جتنا بھی اوپر جاتے ہیں, جتنی بھی کامیابی آپ کو ملتی ہے, تو آپ کے فادر آپ کے بالکل ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ اپنے فادر کو ایک لیڈر کی طرح یوز کر رہے ہوتے ہیں. ان کے بازو پر چڑھ کر ہی آپ اوپر جا رہے ہوتے ہیں, ان کی سٹرگل سامنے ہوتی ہے بالکل آپ کے. تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم سٹیپ لے رہے ہوتے ہیں تو اس سٹیپ کے پیچھے کون ہوتا ہے, ہمارے فادر ہوتے ہیں. اور فادر وہی ہوتا ہے جو اپنی فیملی کو خوش دیکھنے چاہتے ہیں اور وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اپنی فیملی کی خوشی کے لیے اور اپنے بچوں کی, چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو. تو سب سے زیادہ سپورٹیو جو ہوتا ہے وہ بچوں کو کون کرتا ہے, وہ اس کے فادر ہی کرتے ہیں. تو فرینڈز, یہ تھا بچوں کو مورل کے ساتھ کس طرح سے فیمیلیئر کرنا. آتھر بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ فادر کی طرح اپنی لائف کو جو ہے, فادر کس طرح سے اپنی لائف کو اگزامپل بنا کر اپنے اندر کی جو ویلوسٹی ہے اس کی ویلیو پیدا کر رہا ہے. اور یہی چیز جو ہے وہ بچوں پر گہرا اثر کرتی ہے. یہی وہ سب ویلیو ہیں کہ جو چیز ہم اپنی اولاد کے اندر پیدا کریں. اور اس لیسن کا تھیم بھی یہی ہے کہ جھوٹ کو رشتے میں کبھی بھی نہ آنے دیں, کیونکہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو یہ ساری کوالٹیز, کریکٹر, انٹیگریٹی, ٹرسٹ وردی, آنیسٹ, ہیلپ فل, یہ سب کچھ وہاں سے ختم ہو جاتا ہے, رشتہ ختم ہو جاتا ہے. اس وجہ سے جھوٹ آپ کبھی بھی نہ بولیں ہمیشہ, اسپیشلی اپنے فادر یا مدر کے ساتھ. ہمیشہ سچے رہیں, سچی بات بتائیں انہیں, ہر طرح سے سچ بولیں ان کے ساتھ, کبھی بھی جھوٹ مت بولیں. تو فرینڈز, اس لیسن کا بھی تھیم یا مورل ہمارے پاس یہی ہے کہ جہاں پر جھوٹ آ جاتا ہے وہاں پر وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے. تو کبھی بھی آپ اپنے اسپیشلی اس رشتے میں مدر یا فادر کے ساتھ جھوٹ کو نہ آنے دیں, کیونکہ جہاں آپ جھوٹ کو لے آئے وہاں پہ آپ کے رشتے کا اینڈ ہو جائے گا. اب ہم چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ لیسن کی طرف. نیکسٹ لیسن ہے ہمارا 4.3, بی دا بیسٹ, اور اس کا تھیم ہے اسٹرگل ان لائف. فوکس ہمارا کس پر رہے گا؟ آلویز پٹ ان یور بیسٹ. اور آؤٹ کمز ہمیں کیا حاصل ہوں گے؟ ریڈنگ اینڈ تھنکنگ اسکلز آپ کی امپروو ہوں گی, اس کے ساتھ ساتھ ایتھیکل اینڈ سوشل اسکلز پر ہم کام کر رہے ہوں گے, رائٹنگ اسکلز, گرامر اینڈ لگزس پر بھی بات ہوگی. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ لیسن کی طرف. تو فرینڈز, نیکسٹ لیسن شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنی مضبوط اور سخت تلوار جو کہ کاٹ کے رکھ دیتی ہے, چیر کے رکھ دیتی ہے, وہ دیکھی ہے نا, لیکن آپ نے یہ سوچا ہے کہ اسے سانچے میں کیسے ڈھالا جاتا ہے؟ یہ دیکھیے, اسے آگ کے اندر پگھلا کر بار بار, اور پھر اس پر چوٹیں لگائی جاتی ہیں, اس کے اوپر ضرب لگائی جاتی ہے, اس طرح سے اسے بنایا جاتا ہے تاکہ وہ اس قابل بن سکے کہ آپ اس کے ذریعے کسی بھی چیز کو کاٹ کے رکھ سکتے ہیں. تو ایک اور ایگزامپل یہاں پر میں آپ کو دینا چاہوں گی کہ آپ نے دیکھا ہے فرینڈز کہ کس طرح سے زمین میں جو بیج بوتے ہیں اور وہ بیج زمین کا سینہ چیر کے جب باہر نکلتا ہے تو کس قدر خوشگوار اور خوبصورت پودا بن کے نکلتا ہے, پھول بن کے نکلتا ہے. تو اس ٹائم تو جب آپ کو اس بیج کو ہم زمین میں ڈال دیتے ہیں تو اس طرح لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ زمین میں دفن ہو گیا ہے. اور اسی طرح ہمارے اوپر جب کوئی پریشانی آتی ہے تو ہمیں لگتا ہے ہم زمین میں دفن ہو گئے ہیں, لیکن اصل میں ہم وہ دفن نہیں ہوتے بلکہ ہم پلانٹڈ ہوتے ہیں, ہمیں اگایا جا رہا ہوتا ہے. اگر ہم کوئی پریشانی یا مشکل میں گھر بھی جاتے ہیں تو ہم نے ایک اچھا سا پودا بن کے باہر ابھرنا ہوتا ہے, اس پریشانی سے باہر نکلنا ہوتا ہے. کیونکہ فرینڈز, سٹرگل کی بدولت ہی آپ کیا ہیں, اپنی جو سکسیس ہے آپ اسے اچیو کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ آپ کی سٹرگل جو ہے یہی وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو سٹرونگ بناتی ہے. اگر آپ کی لائف میں سٹرگلز ہی نہ آئیں تو آپ کو پلیئر اور پین کا اندازہ ہی کیسے ہو. تو یہ جو پینز آتی ہیں ہماری لائف میں, یہی ہمیں بہت زیادہ سٹرونگر بناتی ہیں, ہمیں اندر سے مضبوط کرتی ہیں, ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہیں, کیونکہ پریشانیوں سے نکل کر ہی آگے جانے میں جو ہے آسانی ہے. اور سٹرگل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے, کیونکہ اگر ہم اس سٹرگل سے ڈر جائیں گے تو ہم وہاں پر رک جائیں گے, ہماری زندگی سٹاپ ہو جائے گی. اس لیے ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں کبھی بھی سٹرگل سے ڈرنا نہیں چاہیے,
ट्राई करनी चाहिए हमेशा आगे बढ़ने की कि हम ये कर सकते हैं, हम आगे जा सकते हैं। अब आपको लाइफ में दो तरह के लोग मिलेंगे, एक लूज़र्स होते हैं और एक होते हैं विनर्स। लूज़र्स हमेशा क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं वाई मी, कि आखिर मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। और विनर्स क्या कहते हैं, वाई मी की बजाय कहते हैं ट्राई मी, कि लेट मी ट्राई, मैं ट्राई करता हूँ शायद जो है मैं ये काम कर जाऊँ। तो जो ये ट्राई करने का बात सोच लेता है वही फिर आगे विन कर जाता है, और जो ये सोचता रहता है वाई मी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया या मेरे ऊपर ये परेशानियाँ क्यों आ गई, तो वो फिर लूज़र्स में शामिल हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स ये वो सब चीज़ें हैं कि ये वो सारी स्ट्रगल है जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। स्ट्रगल ही आपको असल में चैम्पियन बना रही होती है। अगर यहाँ पे स्ट्रगल नहीं होगी आपकी लाइफ में तो कोई भी प्रोग्रेस नहीं होगी। जिस तरह से अगर हम बीज को बरीड ना करें ज़मीन में तो वो पौधा कैसे निकले, खूबसूरत फल और फूल कैसे उगें, तो उसे खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ा सा ज़मीन में दफनाना ही पड़ता है। इसलिए बिल्कुल भी आपको स्ट्रगल छोड़नी नहीं चाहिए, हमेशा से ट्राई करता रहना चाहिए। अच्छा, इसी की एग्जांपल मैं देती हूँ कि आप लोगों ने बटरफ्लाई को तो देखा होगा कि किस तरह से डिफरेंट फेजेस से गुजर कर ये एंड तक पहुँचती है। पहले ये एक छोटी सी इस तरह कैटरपिलर्स होती है, और उसके बाद ये थोड़ा सा ट्राई करके बाहर निकलती है, फिर थोड़ा सा और उसके बाद इसके पर थोड़े से बड़े होते हैं, और एंड पे जब फुल इसके पर बड़े हो जाते हैं तो ये एक खूबसूरत सी बटरफ्लाई बन जाती है, जो कि दुनिया में घूमती है, इधर उधर फिरती है, एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है और फूलों का रस चूसती है। तो फ्रेंड्स इसको, बटरफ्लाई को भी बनने के लिए देखिए कितने ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत है। ये बाहर निकलने के लिए ये बहुत तकलीफ़ दह अमल है। ये इतना छोटा सा ये जो है कैटरपिलर जो है, इसमें से निकलना, बाहर निकलना, और ये देखिए क्या आप अंदाज़ा कर सकते हैं ये इतने छोटे के अंदर इतने बड़े से पर होंगे। तो चलिए इसकी एग्जांपल मैं आपको एक और देती हूँ। क्या आपको ये स्टोरी याद है, बॉय और बटरफ्लाई वाली, कि एक लड़के ने इस तरह कैटरपिलर देखा तो वो देख रहा था कि बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है ना उसमें से बाहर आने की, लेकिन वो बाहर निकल नहीं पा रही। कहता है कि ये तो बाहर निकल नहीं रही। वो क्या करता है, घर जाता है, सीज़र लाता है और उस कैटरपिलर को काट देता है, उसका जो होल होता है उसको काट देता है ताकि ये बाहर आ जाए। देखते ही देखते बटरफ्लाई तो बाहर आ जाती है, ज़मीन पर गिर जाती है, लेकिन वो फिर उड़ नहीं रही होती। अब लड़का सोच रहा होता है कि अभी ये थोड़ी देर तक उड़ेगी उड़ेगी, लेकिन वो नहीं उड़ती। वो थोड़ा सा चल तो रही होती है, रेंग रही होती है, लेकिन उसकी उड़ने की जो उसके अंदर क्वालिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि ये बटरफ्लाई जब ये स्ट्रगल कर रही होती है यहाँ से बाहर आने की, तो इसके अंदर से एक फ्लूइड निकलता है, एक मादा निकलता है जो इसके जो पर हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है, उनको हल्का कर देता है, जिसकी वजह से ये उड़ सकती है। तो जब उसकी स्ट्रगल ख़त्म हो गई बाहर निकलने की, तो उसका वो मादा खारिज नहीं हुआ, बच्चे ने जब उसको काट दिया तो वो एकदम से बाहर निकल आई, जिसकी वजह से उसके जो पर हैं वो सख्त हो गए, अकड़ गए, और उसके पूरे जिस्म पे स्वेलिंग और सोज शुरू हो गई। इस तरह क्या हुआ कि वो पूरी ज़िंदगी के लिए उसने बच्चे ने उस बटरफ्लाई को माजूर कर दिया। तो फ्रेंड्स इस तरह ये है कि आप बाहर वालों जो फेवर है उस पर कभी भी आप रिलाई ना करें, हमेशा से अपनी पावर्स पर यकीन रखें। अगर आप बाहर वालों की जो फेवर है उन पर आप रिलाई करेंगे तो क्या होगा, ये चीज़ें आपको माजूर कर देंगी। क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, खुद पर भरोसा करके आगे बढ़ेंगे तो ही आप कामयाब हो सकेंगे। तो फ्रेंड्स इस स्टोरी से भी हमें यही लेसन मिलता है कि स्ट्रगल में आने वाली जो पेन्स होती हैं वो हर्ट तो हमें करती हैं, लेकिन उसको आप पेन ना समझें, क्योंकि सम टाइम्स ये पेन्स आपको चेंज करके रख देती हैं। और हर दिन जो होता है वो अपने आप को आप चेंज करें, आप कुछ नया करने की कोशिश करें, बेहतरीन करने की कुछ कोशिश करें, क्योंकि स्ट्रगल जो है यही अल्लाह ताला का दिया हुआ तोहफा है। और जब हम किसी काम को करने की स्ट्रगल करते हैं तो हम नाकाम नहीं होते, हमें सक्सेस ज़रूर मिलती है। तो बी द बेस्ट जो लेसन है उसमें भी यही हमें उस लेसन का जो है थीम हमें जो दे रहे हैं या हमें समझा रहे हैं कि स्ट्रगल जो है वो सबसे अच्छी चीज़ है, बेहतरीन ताकत है हमारे लिए, और हमें जो है हमारा बी द बेस्ट देना चाहिए। कि आप कुछ भी हैं प्रोफेशन के लिहाज से, आप लोग जो हैं
टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, चाहे आप कुछ भी हैं, तो आप अपने काम को, अपने प्रोफेशन को अपना बेस्ट दें। तो यही है इस लेसन का थीम भी, और इस लेसन का जो है थीम कह लें या इसका आप मोरल कह लें, कि हमें हमेशा स्ट्रगल करते रहना चाहिए और हमें जो है हमारा बेस्ट जो है वो हम अपने काम को देना चाहिए। बी द बेस्ट वट एवर यू आर, कि जो कुछ भी आप हैं उसका बेहतरीन बन के रहें। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे तीनों लेसन यूनिट नंबर 4 के। इंशाल्लाह इन लेसन की डिटेल जो है वो अब आप इनसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम ये लेसन 1 by 1 करके रीड आउट करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स और MCQs भी हम साथ में करेंगे।